नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र और आज हम आए हुए हैं जो कि करीब करीब 500 वर्ष प्राचीन है ठाकुर जी का मंदिर। सभी भक्तों को मैं ठाकुर जी के दर्शन कराऊंगा और कुछ जो मैं दिखाना चाहूंगा कि जो मेरे बैक साइड में है, ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है और इसमें हर वर्ष की भांति लगातार करीब करीब 500 वर्षों से जन्माष्टमी का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो आइए हम ठाकुर जी के दर्शन कराते हैं और कुछ मैं साइड का भी व्यू दिखाना चाहूँगा कि आज जन्माष्टमी का प्रोग्राम है और यहाँ पर कृष्ण जी का झूला लग रहा है और साइड में ये मंच। दोस्तों अब हम आ पहुँचे हैं मंदिर प्रांगण के अंदर और जैसा कि मैं आपको सामने व्यू दिखा रहा हूँ, ये है ठाकुर जी का मंदिर और इस तरह से इसमें प्राचीन कालीन नक्काशी की गई है। ये देखिएगा, ये जो गेट वगैरह हैं सारे प्राचीन काल के हैं और ये जो सामने मैं कलर दिखा रहा हूँ, ये वाला जो बैलून के नीचे है, ये सारे मराठा कालीन उसी समय के कलर किए हुए हैं और काफ़ी प्राचीन मंदिर है। अब हम आपको भावपूर्ण दर्शन कराते हैं ठाकुर जी के, जो कि करीब करीब 500 वर्ष प्राचीन मंदिर है ये, और आज कृष्ण जन्माष्टमी है इसके उपलक्ष पर हम आपको भावपूर्ण ठाकुर जी के दर्शन कराते हैं। ठाकुर जी की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे, इस वीडियो के साथ जुड़ते जाएं और ठाकुर जी के दर्शन करते जाएं। नमस्कार दोस्तों, सभी इस वीडियो के साथ जुड़ते जाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे लिखते जाएं। हमारे पास कुछ गणमान्य भाई बंधु हैं और पंडित जी हैं जो यहाँ के पुजारी हैं, लगातार सेवा दे रहे हैं। हम उनसे कुछ जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पे जो भी ये प्रोग्राम रख रहे हैं उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो सर, सबसे पहले मैं अपना शुभ नाम जानना चाहूँगा। राधे राधे सभी को। नाम पवन मिश्रा और ये जो मंदिर है बिहारी जी का,
जैसा कि आपने भी शुरुआत में बताया था, लगभग 500 साल पहले का, जब राजा किशन सिंह ने इस किले की स्थापना की। किला जब बनाया, आपकी साइड किला देख रहे होंगे आप, तो किले की स्थापना के समय राजा ने पहले ठाकुर जी का जो प्रतिमाएं हैं, जो मंदिर है वो, और इधर हनुमान जी की और जगह स्थान हनुमान जी का भी, उन दोनों की स्थापना उन्होंने करवाई। उसके बाद किले को बनाना शुरू किया। ऐसी मान्यता थी कि ठाकुर जी की स्थापना के बाद ही उन्होंने इस किले की नींव रखवाई। तो अंदर की जो दो, अपन इनको ठाकुर जी का गर्भगृह और हनुमान जी का गर्भ कह सकते हैं, उन दोनों की स्थापना किले से पहले की है। बाकी जो आप बाहरी आवरण सारा ये देख रहे हैं, ये बाहरी आवरण जो है वो लगभग 150 साल पुराना है। और इस आवरण के अंदर जो रंगों का, विभिन्न तरीके के पेंटिंग्स का जो प्रयोग किया गया है, ये उसी समय के प्राचीन पेड़ पौधों के रंग जो होते थे उनसे इस तरह की सारी रचना योजना इसकी बनाई गई है। तो हमारी लगभग छठी सातवीं पीढ़ी जो पहले थी हमसे, उनमें श्रीमान बख्तावर नंजी मिश्रा हुए थे, उन्होंने इस मंदिर को, राजा जी ने उनको मंदिर दान में दिया था और मंदिर का पुजारी उनको नियुक्त किया था। उसके बाद से ही हमारी जो पीढ़ी है, 5-6 पीढ़ियाँ हमारी हो गई हैं, वो इनकी सेवा करती आ रही है। हमारे यहाँ 5 परिवार हैं, 5 परिवारों की पूजा क्रम से बारी बारी से आती है। और ये जो समय चल रहा है अपना 24 जुलाई से और लगभग 30 सितंबर तक का, 2.25 महीने का समय ये सेवा मेरे पास रहती है। और पिताजी का नाम श्री ब्रह्मानंद जी मिश्रा, और उनके वही सेवा जो बिहारी जी की वो मैं करता हूँ। तो ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है और कस्बे के सभी लोगों का, विशेषकर जो ये मोहल्ला है, इसको ठाकरवाटी मोहल्ला कहते हैं, विशेषकर इस मोहल्ले का विशेष सहयोग रहता है, हर काम में आगे से आगे रहना, यहाँ तक कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी सुबह से यहाँ इस काम में शामिल लगे हुए हैं। और ये जो जन्माष्टमी का कार्यक्रम बन रहा है, ये इस कार्यक्रम में पूरे किशनगढ़ नगर पालिका, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ बोर्ड पर हमने लिखवाया है कि समस्त हरिभक्त नगर पालिका किशनगढ़ वास, तो पूरे नगर पालिका का सहयोग इस कार्यक्रम को मनाने में, आयोजित करने में हो रहा है। सभी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद साथ है और सब ने अपने सेवा सहयोग से, ये सारा काम जो हो रहा है वो सब सेवा और सहयोग से हो रहा है। तो सारा जो कार्यक्रम है आज के कार्यक्रम में, अपने माता शेरावाली ग्रुप नाम से ग्रुप है दिल्ली का, वहाँ से अपन ने म्यूजिशियन जो हैं, सिंगर हैं, वो बुलवाए हैं, वो भी कुछ ही समय में आने वाले हैं। तो उनके द्वारा 8 बजे गणेश वंदना का प्रारंभ के साथ ही जन्माष्टमी के कार्यक्रम का जो भजन संध्या का कार्यक्रम है प्रारंभ हो जाएगा। और लगभग 11:30 के आसपास मटकी फोड़ का, आप देख रहे होंगे यहाँ पर पीपल के पेड़ पर ही बाहर देखो एक मटकी लगाई हुई है, इस मटकी फोड़ का कार्यक्रम भी यहाँ होगा। विभिन्न बच्चों के द्वारा छोटे राधा कृष्ण के जोड़े भी यहाँ पर आएंगे और वो भी बीच बीच में अपने गानों की प्रस्तुति, नृत्य की प्रस्तुति देंगे। उसके साथ साथ डांस का कार्यक्रम बच्चों का रखा गया है और सारा कार्यक्रम बड़ा ही मनमोहक, पूरे कस्बे के सहयोग से, सबके आशीर्वाद सबके सहयोग से कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। अभी जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो ठाकुर जी का विशेष श्रृंगार आज किया गया है और उस श्रृंगार के दर्शन आप सभी जो अपने चैनल से जुड़े हुए हैं आपके से उन सबको करवाइए। पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भो। सभी को जय श्री राम, जय श्री हनुमान। आप देख रहे हैं सामने दीवार पर हनुमान जी है। ये दीवार पर हनुमान जी किले के साथ, जब किले की स्थापना हुई उससे पहले हनुमान जी की यहाँ स्थापना की गई, उनको मनाया गया, उनको श्रद्धा अर्पण की गई। और आप देख रहे होंगे कि सभी मंदिरों में हनुमान जी की मूर्ति मिलती है आपको दक्षिण मुखी, लेकिन ये एक ही मंदिर है अपने पूरे राजस्थान में, और आगे इससे आगे तो मैंने देखा नहीं है बाहर, कि ये जो हनुमान जी है इनकी ये पश्चिमा विभुख है, पश्चिम की तरफ इनका मुँह है। और मूर्ति नहीं होके उसी समय से एक आकृति दीवार पर है, बैठे हुए हनुमान जी की मुद्रा में है ये। और ये इधर इसलिए बनाए गए, पश्चिम मुख इसलिए किया गया कि ये ठाकुर जी को देख सके, निहार सके, उनकी सेवा कर सके। ये उनकी सेवा करने के लिए तत्पर बैठे हैं कि कब ठाकुर जी बुलाएं और कब मैं सेवा करूं। तो आप देख रहे होंगे दीवार पर हनुमान जी हैं और हर मंगलवार को यहाँ पिछले 5 साल से, पहले भी होता था लेकिन हर मंगलवार को पिछले 5 साल से लगातार यहाँ पर सुंदरकांड का आयोजन किया जाता है। और हनुमान जी की कृपा इतनी बनी हुई है कि अभी कुछ समय पहले बारिश शुरू हो गई थी, हमने सारी तैयारी कर रखी है, काफ़ी दिनों से हम मेहनत कर रहे थे ठाकुर जी को कार्यक्रम को पूर्ण करने के लिए, संपन्न करने के लिए, लेकिन अभी हमने देखा कि कुछ देर पहले बारिश प्रारंभ हो गई थी। तो हनुमान जी को मनाया आकर के मैंने कि प्रभु आपके ही प्रभु का काम है, तो आप कृपा करें और इसको रोकें, देखें, संभालें व्यवस्था को। तो इन्होंने चमत्कारिक तो है ही है और इन्होंने निश्चित रूप से, मौसम बिल्कुल खुल गया है, साफ हो गया है कि इनके प्रभु का काम, वो तो कृष्ण जी के जन्म से पहले
पृथ्वी का सिंचन करना था, अभिषेक करना था और वातावरण अपने अनुकूल बनाना था, इसलिए बारिश की बूंदें आई और अब हनुमान जी की कृपा से सारी की सारी जो बारिश का जो मौसम बन रहा था बिल्कुल खुल चुका है। तो दोस्तों सबको जय श्री राम, जय श्री हनुमान। आप देख रहे होंगे कि यहाँ राम जी की प्रतिमा रखी है राम दरबार की, और सामने दीवार पर अब इनका आप देखिए दृष्टि भी इनकी इस प्रतिमा पर ही है, हनुमान जी की दृष्टि इस प्रतिमा पर है और इस प्रतिमा की तरफ देखते हुए ये राम जी के आदेश में तुरंत बैठे हैं, ठाकुर जी के आदेश में कि कब वो आदेश दें और कब मैं उनकी सेवा करूं। तो मित्रों सबको जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। गाना होता है ये अपने नरेश जी हैं, और नरेश जी बाज़ार में कपड़े का व्यवसाय है इनका, और इनकी भी सेवा निरंतर ठाकुर जी के उसमें रहती है, चरणों में रहती है। ये सतीश जी हैं जो आप देख रहे हैं झूला सजा रहे हैं। सतीश जी एक मिनट, सतीश जी झूला सजा रहे हैं इनका इस कार्यक्रम को आयोजन में जो व्यवस्था है, एक तरह से अपन को व्यवस्थापक कह सकते हैं, व्यवस्था में इनका विशेष सहयोग रहता है, सुबह से लग रहे हैं ये। तो इस तरह से पूरे कस्बे का विशेषकर इस मोहल्ले का काफ़ी सहयोग हमको मिलता है, और ठाकुर जी की जय हो, लगन से सेवा करते हैं। मेरे साथ सहयोगी है जैसा कि गुरु जी ने बताया है, मैं इनसे भी कुछ जानना चाहूँगा। सर अपना शुभ नाम? जय भगवान शर्मा। जय भगवान शर्मा जी, अपन कितने दिन से सेवा दे रहे हैं मंदिर में? मुझे लगभग 3-3.5 वर्ष हो गए हैं। कोरोना काल से पूर्व आया था तो आकर के यहाँ पर इस प्रतिमा में मुझे एक ऐसा आकर्षण नज़र आया कि खिंचाव नज़र आया कि मैं तब से लगातार बिना नागा मंदिर में प्रभु के दर्शन करने के लिए आता हूँ। ठाकुर जी के दीवाने हो गए? ठाकुर जी का भक्त बन गया हूँ, दीवाना हो गया हूँ, और नित्य प्रति यहाँ भजन संध्या होती है। 5 भजन हम यहाँ प्रभु के श्री चरणों में जरूर करते हैं और आनंदमय वातावरण रहता है, बहुत अच्छा लगता है। राधे राधे। राधे राधे। सर अपना शुभ नाम जानना चाहूँगा, कितने दिन से जुड़े हुए हैं अपन इस? हमें लगभग 5 साल हो गए। कैसा महसूस करते हो? महसूस करते हैं, एक दिन भी नहीं आना होता तो मन अटपटा सा रहता है, मतलब निरंतर विचलित हो जाता है, मन विचलित हो जाता है, मतलब आना ही आना है। कभी बाहर चले जाते हैं तो मन नहीं लगता हमारा, मतलब बस ये लगता है बस मन छटपटाता है। तब तक सेवा नहीं कर देते हो जब तक दर्शन नहीं हो जाते ठाकुर जी? हाँ, जब तक चैन नहीं आता मन को। अपना शुभ नाम जानना चाहूँगा। मान सिंह जी, अपन कितने दिन से जुड़े हुए हैं? 35 साल से। कैसा अनुभव करते हो आप? बहुत अच्छा। मैं तो किशनगढ़ रहता हूँ, किसी कोने में मंदिर में जरूर आता हूँ। जब भी ड्यूटी चला जाता हूँ तो बात अलग है, लेकिन किशनगढ़ में कहीं भी रहूँ मंदिर जरूर आता हूँ। मैं पानीपत सर्विस करता हूँ, प्राइवेट जॉब। अच्छा, लेकिन यहाँ रहता हूँ तो मंदिर जरूर। राधे राधे। सर अपना शुभ नाम जानना चाहूँगा। अनिल राठौड़। पास में आ जाए सर। अनिल जी राठौड़ जी, जी साहब, कितने दिन से सेवा दे रहे हैं अपन मंदिर पे? संभाला जब से ठाकुर जी की हम तो। अच्छा, मैंने कुछ इस मंदिर के बारे में कुछ सुना है कि यहाँ पर कोई सफ़ेद कबूतर है। जी सर, उस चीज़ के बारे में हमें बताएं। सर वो कम से कम 10 साल हो गए, सुबह आरती और शाम की आरती, आरती से पहले और आरती करवाने के बाद सुबह यहाँ से चला जाता है और कंटिन्यू इसी मंदिर में यहीं रहता है सर। अच्छा, आपने कभी दर्शन करे हैं सफ़ेद कबूतर के? साहब डेली का आना है हमारे यहाँ तो, सुबह शाम डेली आना है हमारे यहाँ पे। जब तक हम ठाकुर जी के दर्शन नहीं कर लेते इतने तो हम अन्न ग्रहण भी नहीं करते। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि देखिएगा जो बेजुबान जीव जंतु हैं उनमें भी उस परमात्मा के प्रति कितनी ज़बरदस्त लगन है, और वो भी ठाकुर जी के यहाँ पर ये बता रहे हैं भैया कि जैसा कि करीब करीब 10 वर्षों से वो सफ़ेद कबूतर है जो आरती के समय पर आते हैं। हमारे साथ यहाँ के पार्षद महोदय जी हैं, उनसे भी कुछ जानना चाहेंगे। नमस्कार जी, मेरा नाम अर्जुन है जी। जब से मैंने भी होश संभाला है मैं सुबह शाम यहाँ दौखाने आता हूँ। अच्छा, कैसा अनुभव करते हैं अपन? अनुभव बहुत अच्छा लगता है, मतलब आदत सी हो गई है कि भाई सुबह तो उठना है तो वहाँ दौखा खाने या प्रसाद ग्रहण करते हैं। ठीक है, राधे राधे। नाम नंदन कुमार सोनी है। अपन यहाँ पर इस मंदिर के अंदर ठाकुर जी के मंदिर के अंदर कितने दिन से सेवा दे रहे हैं? मेरे को 2-1 साल हुए हैं भाई। कैसा अनुभव करते हो आप? भगवान की कृपा है, मैं गांव में है जो किशन जी के है जो मंदिर में जाता था वहां से मेरे को 40 साल से ऊपर हो गए। मैं किशनगढ़ आया जब से ही है जो भगवान के है जो ये चाह रहा था किशन जी का भगवान का कहीं मंदिर भी हो, तो ठाकुर जी को है जो जय भगवान जी ने मेरे को है जो ये अवगत कराया कि है जो यहाँ बिहार जी के आप है जो, उसी दिन से मैं नित्य प्रति
भगवान के शरणों में आ रहा हूँ। संतुष्टि और मिलती है, प्रभु की कृपा है, प्रभु जैसे रखेंगे वैसे ही है, जो उनकी मर्जी के ऊपर। राधे राधे। हमारे और इनका बड़ा अच्छा सहयोग रहता है सभी धार्मिक कार्यों में, ये विशेष रूप से पहुँचते हैं। इनका आग्रह भी रहता है कि कोई भी धार्मिक कार्य हो तो आप हमें याद करें। तो सभी को मैं इनके चैनल के माध्यम से एक बार कहूँगा कि सब पर श्री कृष्ण भगवान की, श्री बिहारी जी बांके बिहारी लाल की कृपा दृष्टि बनी रहे। दोस्तों, वृंदावन हर कोई नहीं जा सकता, कुछ समय की वजह से, कुछ अर्थ की वजह से वृंदावन नहीं जा सकते, लेकिन अगर हमारा मन शुद्ध है तो मन ही हमारा वृंदावन है। तो सामने जो ठाकुर जी के दर्शन हो रहे हैं आपको, सामने जो ठाकुर जी के दर्शन हो रहे हैं आपको, तो वो वृंदावन ही बन रहा है यहाँ पर। तो सभी को राधे राधे, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। राधे राधे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और ये ठाकुर जी की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैंने आज आपको ये काफ़ी प्राचीन, करीब करीब 500 वर्ष प्राचीन मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन कराए। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।